नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में विलुप्त हो रहे बाघ के लिए बिहार आने वाले दिनों में सबसे सटीक ठिकाना बनने वाला है, क्योंकि बिहार में बाघों की संरक्षा के लिए बिहार सरकार भी एक के बाद एक कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि चंपारण के इलाके में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी तो हो ही रही है। इसी के साथ ही बिहार के एक और हिस्से कैमूर की पहाड़ी पर भी बाघों को आबाद करने की योजना काफी आगे बढ़ गई है। कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे। हाल के ही कुछ सालों में इस पहाड़ी पर एक बाघ के चिन्ह भी मिले थे। अब बिहार सरकार की यही कोशिश है कि इस इलाके को भी टाइगर रिजर्व के तौर पर विकसित किया जाए। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी है। हालांकि सैद्धांतिक मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि राज्य सरकार कोर और बफर का परिसीमन और प्रस्तावित स्थल के आसपास के गांव के बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। अगर यहां बाघों का आशियाना बनता है तो पर्यटन के लिहाज से यह एक बड़ी बात होगी। सरकार फिलहाल वाल्मीकि नगर में पर्यटन के विस्तार के लिए काफी कुछ कर रही है। बीते दिनों ही राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ी जानकारी साझा की थी। भूपेंद्र यादव की माने तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की जनसंख्या 31 है। वहां पिछले 3 वर्षों में कुल 6 बाघ की जान गई है। इसमें साल 2019-20 में 1-1 और 21 में 4 बाघ की जान जाने की खबर सामने आई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के इकलौते पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि बाघों की संख्या में ये उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ही अब बिहार सरकार ने एक बार फिर से बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैमूर में टाइगर रिजर्व की शुरुआत करने की बात कही है, जिससे आने वाले समय में बिहार में बाघों की संख्या में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ बाघों के रहने के लिए बिहार एक बेहतर विकल्प होगा। इसी को लेकर बिहार सरकार लगातार काम में भी जुटी है। उम्मीद है कि बिहार सरकार के इस पहल से आने वाले समय में बिहार में बाघों की संख्या और ज्यादा दिखेगी। कैमूर में टाइगर रिजर्व होने से पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे शाहबाद क्षेत्र को फायदा होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अक्सर स्थानीय लोग यहां पर बाघ देखने के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। इसको लेकर मंत्रालय भी लगातार सक्रिय था। 70 के दशक में वहां बड़ी संख्या में बाघ देखे गए थे, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने भी दी थी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार भी देश में बाघ संरक्षण के अगले दशक के लिए भविष्य और बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश में 51 टाइगर रिजर्व है और अधिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत ही लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे शाहबाद क्षेत्र में वन अभयारण्य को लेकर काम हो रहा है, जिसके बाद ही कई प्रवासी पक्षियों के आने का भी अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।